आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पूरी सरगर्मियों पर है, दिखाई दे रहा है। 15 नवंबर बुधवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बुधवार 15 नवंबर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। शहर के विभिन्न स्थानों से होकर भाजपा की रैली गुजरी। भाजपा की रैली में अनेक नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की रैली यहां दिखाई दे रही होगी सिवनी विधानसभा के लिए। भाजपा की रैली में भाजपा के गोरखपुर के सांसद रवि किशन शामिल हुए। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव में मतदान अवश्य कीजिए। दबाव प्रलोभन भेदभाव को दरकिनार कर निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए रैली यहाँ से गुजर रही है और इस रैली में आपको सिवनी में इसके पहले कांग्रेस की रैली निकली। कांग्रेस की रैली भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा आपको हमने बताया किस तरह से कांग्रेस की रैली निकली। इसके साथ ही कांग्रेस की रैली के साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रैली भी निकली, वो भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया कि आपको खबर के जरिए हमने बताया। जिन जिनकी भी रैलियां निकली हैं, जिन प्रत्याशियों की भी रैलियां निकली हैं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ये प्रयास रहा है कि हम आपको सभी के बारे में विस्तार से बताएं। 17 नवंबर को मतदान है, निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करें। किसी के दबाव में ना आए, भेदभाव ना करें। अंतरात्मा की आवाज़ और अपने क्षेत्र के विकास के लिए मतदान जरूर करें। किसी के भी दबाव में कतई ना आए। प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। ये भारतीय जनता पार्टी की रैली आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। कांग्रेस की रैली निकली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रैली भी यहाँ पर सिवनी, जिला मुख्यालय सिवनी में निकली। वैसे एक बात जो लोगों का कहना है कि मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही है, पर सियासी गर्माहट पता नहीं क्यों वैसी महसूस नहीं हो पा रही है जैसी महसूस होनी चाहिए थी। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की रैली की तैयारियाँ। महिलाएँ भी दिख रही हैं, पुरुष भी दिख रहे हैं, युवा भी दिख रहे हैं। इनकी तादाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये अराशी लॉन से ये रैली आरंभ हुई और ये रैली यहाँ से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई गुजरी और दिनेश राय के पक्ष में मतदान की अपील उनके द्वारा की गई। हम आपको बता दें 1951 से अभी तक 7 बार कांग्रेस के सांसद विधायक, माफ़ कीजिएगा, 7 बार कांग्रेस के विधायक, 7 बार भाजपा के विधायक, 1 बार आरआरपी के विधायक और 1 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं। 1951 में दादू महेंद्रनाथ सिंह, 1957 में दादू महेंद्रनाथ सिंह, 2 बार वे रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। उसके बाद 1962 में राजकुमारी प्रभावती आरआरपी की उम्मीदवार रहीं। एम आर जटार 1967 में कांग्रेस से, 1972 में कांग्रेस के नितेंद्र नाथ शील, 1977 में कांग्रेस की प्रभा भार्गव, 1980 में कांग्रेस के अब्दुल रहमान फारूकी, उसके उपरांत 1985 में रमेश चंद जैन कांग्रेस के विधायक रहे। ये 85 के बाद कांग्रेस यहाँ से कभी विजयश्री का वर्णन नहीं कर पाई। 1990 में महेश प्रसाद शुक्ला भारतीय जनता पार्टी की ओर से खड़े हुए थे और कांग्रेस की ओर से हरबंस सिंह ठाकुर थे और हरबंस सिंह ठाकुर पराजित हुए। और उसके बाद हरबंस सिंह ठाकुर के बाद, पराजय के बाद, सिवनी में कोई भी कांग्रेस का विधायक नहीं बन पाया। 1990 के बाद 1993 में महेश प्रसाद शुक्ला एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक बने। 1998 में नरेश दिवाकर
भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक बने। 2003 में फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेश दिवाकर बने। 2008 में परिसीमन पुनरारक्षण के समय सिवनी लोकसभा के अवसान के उपरांत नीता पटेरिया जो सांसद तत्कालीन सांसद थी उन्हें विधायक का टिकट दिया गया और उन्होंने परचम लहराया भारतीय जनता पार्टी का। 2013 में बहुत ही उलट फेर हुआ, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आई और कांग्रेस के राजकुमार खुराना तीसरे नंबर पर रहे। तब निर्दलीय के रूप में दिनेश राय ने सिवनी में परचम फैलाया और लोग आश्चर्यचकित रह गए कि दिनेश राय आखिर निर्दलीय कैसे सिवनी में विजयी हो पाया। 2018 में दिनेश राय भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े और वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने के बाद 2018 में दिनेश राय विजयी घोषित हुए। इस तरह 7 बार कांग्रेस, 7 बार भाजपा, 1 बार आरआरपी और 1 बार निर्दलीय, ये पूरा लेखा जोखा सिवनी विधानसभा का है। 2023 के विधानसभा चुनावों में किस करवट ऊंट बैठेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। 2023 के विधानसभा चुनावों का परिणाम 3 नवंबर को आएगा और 30 नवंबर के पहले एग्जिट पोल या इस तरीके की कोई भी चीज़ पूरी तरह प्रतिबंधित की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। उत्साह से लवरेज यहां पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बुधवार 15 नवंबर को शाम 6 बजे थम जाएगा विधानसभा का चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश में शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी भारतीय जनता पार्टी की रैली। शहर के अनेक स्थानों से गुजरी भाजपा के पक्ष में निकाली गई चुनावी रैली। 15 नवंबर को शाम 6 बजे के बाद केबल चैनल, सोशल मीडिया पर प्रत्याशी या राजनीतिक दल के द्वारा मतदान की अपील को प्रतिबंधित किया गया है प्रशासन के द्वारा, जिला जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा इस तरीके से आशय की खबर सोशल मीडिया पर डाली गई है। दबाव, प्रलोभन आदि से बचते हुए, इसे दरकिनार करते हुए पूरी तरह निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान अवश्य करें। 17 नवंबर को मतदान है, प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए आप सभी सिवनी में जिस तरह से इसके पहले मतदान होता आया है उसी तरह से आप सभी शांतिपूर्वक मतदान में प्रशासन का सहयोग प्रदान करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।